चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जो एनटीए ने आंसर की जारी की है उसमें तकरीबन स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स कम हो रहे हैं, यानी कि जो पहले एलएन और आकाश की आंसर की से स्टूडेंट मैच कर रहे थे, अपना स्कोर निकाल रहे थे, उस स्कोर में से अभी जो आंसर की रिलीज हुई है एनटीए की, उससे कम से कम 10 मार्क्स तकरीबन स्टूडेंट्स के डाउन हो रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट काफी ज्यादा पैनिक भी हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम जो मार्क्स कैलकुलेशन कर रहे थे उससे 10 मार्क्स डाउन हो रहे हैं। जो बाउंड्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो बॉर्डर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। जिनके अच्छे पहले भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उनको ये चिंता हो रही है कि हमें एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी कॉलेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इससे स्टूडेंट इस आंसर की से एक पैनिक जैसे हो गए, क्योंकि पहले सभी सोच रहे थे कि कम से कम ये 2 क्वेश्चनों के तो बोनस जरूर मिलेंगे या 3 क्वेश्चनों के मिलेंगे। सभी ने अपने अपने क्वेश्चंस के हिसाब से ये आइडिया लगा रखा था कि ये तो बोनस जाएगा ही, लेकिन एनटीए ने तो बोनस दिया है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोनस दिया है जो जिस स्टूडेंट को किसी को मिलना ही नहीं है उसमें। तो इससे मैं आपको बता दूं कि इससे आपको ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नीट में सिलेक्शन होता है, चाहे वो एमबीबीएस में हो, बीडीएस में हो, वेटनरी में हो, आयुष में हो, किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन हो, वो एडमिशन रैंक के अकॉर्डिंग होता है, ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग होता है। और ये जो मार्क्स अभी कम हो रहे हैं ऑल इंडिया रैंक पर, इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसमें बोनस मार्क्स देता है एनटीए को तो भी आपकी वही रैंक आने वाली है, अगर बोनस नहीं देता है तो भी वही रैंक आने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर स्टूडेंट के रॉन्ग हुए हैं, इसलिए ऑल इंडिया रैंक पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर बोनस नहीं मिलता है तो हम सब जानते हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगी, और बोनस मिल जाता है तो हम जो पहले सोच रहे थे उसी के मुताबिक कट ऑफ रह सकती है। तो आपको जरा भी इसमें पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे 10 मार्क्स से कम हो गए, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारे को ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जरा भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी आप वेट करें रिजल्ट का, ऑल इंडिया रैंक का वेट करें, क्योंकि जो एडमिशन होना है ऑल इंडिया रैंक पर ही होना है। तो ये जानकारी थी, क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे कॉल्स आ रहे थे, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस प्रकार से कि स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान हैं, और परेशान होने वाली बात भी है। इसमें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।